हेलो बच्चों, चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स पेपर, जो सेकेंड यूनिट के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर कुछ आंसर्स भी ऐसे आप लोगों को दिए फिल करने के लिए दिए हुए हैं। तो ये पेपर के थोड़े आंसर्स मैं आप लोगों को डायरेक्टली भी बता देती हूँ। तो इसमें आप देखो, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होता है? जब हम जो मेन प्राइस है हमारा, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो इधर आएगा सेलिंग प्राइस। लॉस इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तब लॉस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस। तो डायमीटर गिव्स राइज टू इक्वल आर्क। मतलब जब डायमीटर हम बनाते हैं सर्कल के अंदर, तो दो आर्क ऐसे बन जाते हैं ना सर्कल के, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। देन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू वॉट? सर्कमफेरेंस क्या होता है? पाई आर टू पाई आर या पाई डी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग एन अकाउंट फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए जो अकाउंट होता है, देखो मैंने जो लेसन एक्सप्लेन किया है ना, उसमें सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ट्रेडर्स के लिए जो अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। एन अकाउंट फॉर द फिक्स डिपॉजिट, वो होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिर द अकाउंट फॉर द सेविंग मनी, फिर सेविंग अकाउंट है जो हम लोग रेगुलर, जैसे कि अगर मेरा कोई अकाउंट है तो वो कौन सा होगा? वो सेविंग अकाउंट होगा। इफ रेडियस इज 7, रेडियस कितना है? 7 है। ठीक है, तो फिर डायमीटर यहाँ पर होगा 14, डबल होगा उसका। और इफ डायमीटर 20 है, सर्कल का डायमीटर पूरा कितना 20 है, तो उसका रेडियस हाफ होगा 10। ओके, इस तरह से मैच करना है। यहाँ पर भी आपको ये करना है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अगर आप ये लेसन का एक्सप्लेनेशन देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो ये सब सम्स ना हमने सॉल्व किए हुए है, तो वहीं से आप लोगों को डायरेक्ट देखना है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सम भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, मतलब ऑल ओवर ये जो पेपर है ना, इसके पूरे टोटल सम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी। सम आर्क आर शोन इन, आर्क मतलब क्या है? ये आर्क होते हैं और वो थ्री लेटर से हम लिखते हैं। सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ दिया हुआ है। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर, माइनर मतलब क्या है? छोटे, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कितना होता है? हाफ से छोटा होता है। ठीक है, तो हो गए यहाँ पे, ये सी लिखा है, क्यू है। ओके, क्यू एक्स पी, तो हम लिखेंगे आर्क क्यू एक्स पी। फिर उसके बाद और एक हम लिख सकते हैं, आर्क पी आर वाई। ऑल्सो वी कैन राइट आर्क एक्स पी आर। ठीक है, और ये नहीं लेंगे बिकॉज ये सेमी सर्कल हो जाएगा। उसके बाद मेजर आर्क मतलब बड़ा, जो 90 हाफ से बड़ा है, तो हम ले सकते हैं पी आर क्यू, वाई को छोड़ देना है। देन क्यू पी वाई एक्स पी वाई, सबके आगे आर्क ऐसे लिखना है, आर्क लिखना है और उसका नेम लिखना है। एंड सेमी सर्कुलर आर्क, अभी सेमी सर्कुलर मतलब हाफ वाला, तो यहाँ पर आएगा क्यू पी आर एंड आर्क क्यू वाई आर। ठीक है, ओके, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। 3 मार्क्स ऐसे आप इजीली कर सकते हो, तो बहुत ध्यान से करो। फिर इसके बाद ये जो सम्स दिए हुए हैं, ये सम्स भी हमने सॉल्व किए हुए हैं प्रॉपरली। आप देखोगे लेसन के वीडियोस, तो आप लोगों को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, आप प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा पोर्शन अवेलेबल है। उसके बाद ये तो रिसेंटली अभी मैंने लास्ट वीक की जो वीडियोज अपलोड किए हुए है, उसमें हमने किए हुए पार्टनरशिप के, इसमें सॉरी पार्टनरशिप में नहीं, बैंक और इंटरेस्ट था ना, उसमें ये सब किया हुआ है। तो आप देख लो, ये सम्स भी उसी में है। मतलब आपका ये जो पूरा पेपर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक समझ लो कि आपका ये रिवीजन हो रहा है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि टीचर, अगर पेपर कोई बच्चे पूछते हैं कि टीचर आपने दिया हुआ सेम पेपर आएगा, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। हर एक स्कूल अपने अपने अलग अलग पेपर बनाती है ना, तो मेरे पास जो स्कूल का है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब आप लोगों को एक सिंपल आइडिया मिल जाएगा, और आप कोई भी टॉपिक का, आप लोगों को 3-4 लेसन होते हैं ना एक साथ में, तो कोई भी लेसन मिक्स में अगर आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है, उसके फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं, मेथड कैसे याद रखना है, ये सब आप लोगों को इससे हेल्प होगा। इसीलिए जितना पोर्शन होता है ना, उसका पहले आप रिविजन कर लेना,
फिर पेपर सॉल्व करने के लिए लेना, देखो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड स्कोर इन योर मैथ्स एग्जाम, मतलब एकदम अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि और बहुत सारे पेपर्स, मेरे पास तो ऐसे बंच के बंच पड़े हुए हैं पेपर्स के, तो मैं सारे पेपर्स निकाल के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो।